हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अग्रवाल। आज हम करने वाले हैं डिटरमिनर्स में फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटल, आ लिटल, द लिटल। अब ये है ना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपका फ्यू और लिटल के ऊपर कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। और क्वेश्चन सिर्फ गलत कब नहीं होते हैं, जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, आपका जो स्कोर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और स्कोर बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव रहता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HSSC, TGT इंग्लिश, चाहे DSS भी TGT इंग्लिश या PGT इंग्लिश तक कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, एग्जाम का नाम बदल दिया मैंने, बहुत सारे एग्जाम के नाम यहाँ पे डाल दिया। एग्जाम का नाम बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रामर ग्रामर रहती है और वो कहीं भी पूछी जा सकती है जिसमें इंग्लिश आती है, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन अग्रवाल क्लासेस, ये जो इसके नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। आप वहां पे जाकर के उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं तो उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। चलिए, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटल, आ लिटल और द लिटल में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इनको यूज करते हैं, सारी बात अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या कर देंगे, एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो प्रेजेंट सर का, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक शेयर पक्का कर देना है, क्योंकि मेरे भाई हर जो क्लास है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उन बच्चों के पास ये भेजना है जिन बच्चों को, जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद सकते किसी चीज का। ठीक है, तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंस है और ये अलग अलग क्यों हम इनको लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो डिटरमिनर पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है ना, डिटरमिनर क्या करता है, किसी एक नाउन को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, एडजेक्टिव भी यही काम करता है। एडजेक्टिव बेसिकली क्या बताता है, क्वालिटी बताता है किसी भी नाउन की, यानी कि एडजेक्टिव नाउन के अनुसार हम यूज करते हैं। लेकिन डिटरमिनर क्या करता है, उस नाउन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, यानी कि हम डिटरमिनर के हिसाब से ही नाउन को यूज करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, फ्यू सबसे पहले जो आपको है ना डिफरेंस देखना है वो किसके अंदर देखना है, फ्यू के अंदर और लिटल के अंदर। बेसिक वर्ड क्या है आपका, फ्यू और लिटल। फ्यू और लिटल में बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखो वो एक सिंपल सी बात है, आप समझ जाओगे। ये हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, नाउन को डिटरमाइन करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर मैं फ्यू की बात करूं तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, जब हमें नाउन का क्या जानना हो, नंबर जानना हो। सिंपल, संख्या की बात होगी, अगर किसी भी नाउन को गिना जा सकता है, उसका नंबर बताया जा सकता है, उसको हम गिन सकते हैं, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, अगर किसी नाउन की काउंटिंग कर सकते हैं तो उसे बोला जाता है काउंटेबल नाउन। क्या बोला जाता है, काउंटेबल नाउन बोला जाता है। बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं मनी, एक वर्ड, एक एक नाउन ले लिया मैंने मनी, और उसके बाद एक वर्ड ले लिया मैंने रूपी। ठीक है, तो ये जो मनी वर्ड है ना, ये हमारा कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, और ये जो रुपी है ना, ये हमारा कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। दोनों में डिफरेंस क्या है, मनी जो है, धन जो है, उसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनी को हम मेजर कर सकते हैं, किसके रूप में, रुपीज के रूप में, डॉलर के रूप में, यूरोज के रूप में। तो हम काउंट किस चीज को कर सकते हैं, रुपी को कर सकते हैं, डॉलर को कर सकते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। तो काउंट जिसे हम कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन, और जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो बेसिकली फ्यू और लिटरल में डिफरेंस पहला, लॉजिकली से समझ रहे हैं, हमने अभी तक इसका मीनिंग नहीं देखा है कि मीनिंग क्या है, हम इसको लॉजिकली समझ रहे हैं कि फ्यू जब भी हम यूज करेंगे उसका यूज हमेशा और हमेशा नाउन से पहले होगा। नाउन को डिटरमाइन करता है, सीधी सी बात है, नाउन से पहले होगा, लेकिन कैसे नाउन से पहले होगा, काउंटेबल नाउन से पहले होगा। और काउंटेबल भी दो तरह का हो सकता है, या तो सिंगुलर या प्लूरल। अब सिंगुलर यानी कि एक,
जिसकी संख्या एक होती है, यानी कि काउंटिंग जब हम करेंगे उसकी संख्या वन होगी, तो नंबर वो क्या होगा, वन होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और एक से ज्यादा अगर हो गया वो तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। यानी कि फ्यू का यूज हमेशा प्लुरल नाउन से पहले होता है, सिंगुलर नाउन से पहले कभी भी फ्यू का यूज नहीं हो सकता। अभी हमने ना तो ए फ्यू की बात की है, ना दा फ्यू की, ना ओनली फ्यू की, या हमारे वेरी फ्यू की, फ्यूअर की, किसी की बात नहीं की है। बेस वर्ड फ्यू का यूज कैसे होगा, बेस वर्ड फ्यू का यूज किससे पहले होगा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा। इसी तरीके से फ्यू जैसे हमारा न्यूमरल होता है, यानी कि हमारा नंबर को डिफाइन करता है, काउंटिंग को डिफाइन करता है, वैसे ही लिटल हमारा किसको डिफाइन करता है, क्वांटिटी को। यानी कि जब भी हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी बतानी होगी, अच्छा नंबर में और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, देखो जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनका होता है नंबर, ठीक है, और जिनके हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काउंट कर, क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या आप लव को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इनकी ऐसे कुछ नाउन जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए, मेटेरियल नाउन हुए, ऐसे नाउन जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती है, उनकी क्वांटिटी हम देखते हैं। जैसे कि शुगर को काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन 1 kg शुगर हमारी हम बता सकते हैं, 1 kg, ये इसकी हो गई क्वांटिटी। यानी कि जहां पे क्वांटिटी की बात होगी, काउंटिंग की बात नहीं, क्वांटिटी की बात होगी, मात्रा की बात होगी, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, लिटल का। तो सीधी सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटल का यूज किया जाता है, और काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू का यूज किया जाता है, और काउंटेबल में भी फ्यू का यूज किससे पहले होगा, प्लुरल काउंटेबल से पहले होगा। अब जानते हैं, देखो ये क्वेश्चन कैसे आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, आपको चेक करना है। देखो मैंने पहले ही बता दिया कि प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा, तो यहाँ पे देखो वॉटर, वॉटर से पहले आपने अ फ्यू का यूज कर लिया तो बिल्कुल गलत है। पेंसिल्स से पहले लिटल का यूज कर लिया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेंसिल्स, अब पेंसिल का प्लूरल फॉर्म है पेंसिल्स, यानी कि प्लूरल हो गया ये, तो प्लूरल से पहले तो कभी भी लिटल का यूज नहीं होगा, फ्यू का यूज होगा। तो पहली पहचान कैसे करनी है, देखो अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भरना आ जाता है ना, फिल इन द ब्लैंक आ जाता है, तो वहां पे आपको सिर्फ क्या देखना है, नाउन को चेक करना है। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो लिटल ही भरना है वहां पे, और अगर हमारा नाउन काउंटेबल है और साथ में प्लूरल है तो ही हमें फ्यू का यूज करना है। यहीं से आधा आपका क्वेश्चन, यहीं से आपके दो ऑप्शंस कट हो जाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शंस आएंगे, किसी में लिटल दे रखा होगा, किसी में आ लिटल दे रखा होगा, किसी में आ फ्यू दे रखा होगा, किसी में दा फ्यू दे रखा होगा, तो आधे ऑप्शन तो वही कैंसिल आउट कर देने हैं नाउन को देखकर। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो फ्यू वाले ऑप्शंस आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका लिटल वाले ऑप्शंस आएंगे। अब बात करते हैं फ्यू और लिटल में, जो हमारा फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। देखो फ्यू को समझते हैं अच्छे से, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, लिटल वाला भी सेम यूज होता है, सिर्फ क्या क्या हमें देखना है, क्या बदल रहा है नाउन के, नाउन से रिलेशन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ध्यान रखना है। बाकी फ्यू खाली विदाउट आर्टिकल वाला, आर्टिकल ए वाला और आर्टिकल दा वाले में क्या डिफरेंस होता है, उसको अभी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, एक बार इरेज कर लेते हैं इनके, सारी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो जब भी हमें लगाना है विदाउट आर्टिकल फ्यू और लिटल, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आपको बताता है जीरो, जीरो यानी कि जब हमारे पास किसी भी चीज की क्वांटिटी या नंबर इतना ज्यादा कम हो कि वो ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि उस चीज का हम किसी पॉजिटिव थिंग के लिए यूज कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे खाना खाना है, खाना इतना कम है कि खाना खाया ही नहीं जा सकता, मैं भूखा ही रहूंगा, तो वहां पे फ्यू और लिटल का यूज होगा। बात समझ में आई, दोबारा बता देता हूं, ऐसी क्वांटिटी या नंबर जो नियरली इक्वल टू जीरो होती है, यानी कि
हम उसका यूज करके, उस थिंग का यूज करके हम कोई काम कर ही नहीं सकते, हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इतने कम पैसे हैं कि हम खरीद नहीं सकते, इतने कम लोग हैं कि हम प्ले को चला नहीं सकते, इतना कम टाइम है कि मैं एग्जाम को पूरा नहीं कर सकता। यानी कि जब फ्यू और लिटल का, विदाउट आर्टिकल फ्यू और लिटल का यूज कहाँ पे करना है, जहां पे हमें उस चीज को अपर्याप्त दिखाते हुए, यानी कि नॉट सफिशिएंट दिखाते हुए रिजल्ट नेगेटिव शो करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, विदाउट आर्टिकल फ्यू और विदाउट आर्टिकल लिटल का यूज करेंगे। अब फ्यू कहाँ यूज होगा, सीधी सी बात है, नंबर के लिए, और लिटल कहाँ यूज होगा, क्वांटिटी के लिए, उसके ऊपर हम बहस नहीं कर देंगे आप, क्योंकि हमने समझ लिया है अगर प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो फ्यू का यूज होगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमारा लिटल का यूज होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटल का यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ फ्यू और दा फ्यू, अब देखो आ फ्यू और दा फ्यू, अगर आपको आर्टिकल आता है ना अच्छे से, तो आर्टिकल आता है तो आ फ्यू और दा फ्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो आर्टिकल दो तरह का होता है, पहला इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में क्या फर्क है, देखो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, पहले भी मैंने कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज थी उसमें भी बताया है। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं आर्टिकल द। क्यों बोलते हैं, अगर हमें किसी भी नाउन को नॉन दिखाना है, डेफिनेट दिखाना है कि हमारे पास उसके लिए प्री इंफॉर्मेशन हमारे पास है, यानी कि सेंटेंस में पहले से ही उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी हमें है, या पर्टिकुलरली उसको डेफिनेट बता दिया किसी भी वर्ब के लिए या किसी भी एक्शन के लिए, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। और वो अननोन है हमारे लिए, इनडेफिनेट है, उसके बारे में पर्याप्त हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं या एन का यूज करते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पे ए फ्यू का यूज कर दिया और दा फ्यू का यूज कर दिया। अब ए फ्यू कब यूज करेंगे, जब हमारा नंबर लेस तो होगा कम, देखो फ्यू और लिटल का यूज कहाँ करते हैं, इन सेंस ऑफ लेस क्वांटिटी और लेस नंबर, यानी कि कम के संदर्भ में। यानी कि अगर मैं इजी वर्ड्स में बात करूं, कोई भी चीज हमें कम दिखानी है, ठीक है, तो उस कम दिखाने के लिए हम फ्यू और लिटल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर जो वो नंबर है वो कम है, लेकिन हमें नहीं पता वो कितना है, कितना भी हो सकता है, कितना है हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग सड़क पर खड़े हैं, ठीक है, अ फ्यू पीपल आर स्टैंडिंग ओवर देयर, आर स्टैंडिंग ओवर देयर, यहाँ पे इस सेंटेंस को देखिए, आर स्टैंडिंग ओवर देयर, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे कुछ लोग वहां पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पीपल हैं, ठीक है, ये आपका प्लुरल काउंटेबल नाउन हो गया। अब इससे पहले ए फ्यू का यूज किया है, अब हमें नहीं पता कितने कितने लोग वहां पे खड़े हैं, कितने भी हो सकते हैं, डेफिनेट हमारे पास उसका कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो वहां पे कितने लोग खड़े हैं, अगर डेफिनेट नहीं है कोई क्वांटिटी या कोई नंबर डेफिनेट नहीं है, तो ए फ्यू का यूज करेंगे। और हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल, कीट्स कीट्स रॉट अ फ्यू पोएम्स या अ फ्यू पोम्स, अब मैंने ऐसे लिख दिया अ फ्यू पोम्स, अब यहां पे कीट्स ने जितनी भी पोम्स लिखी है वो हमें पता है, वो डेफिनेट है हमारे लिए, तो डेफिनेट है तो यहाँ पे आ फ्यू का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, द फ्यू का यूज होगा, क्योंकि हमें नंबर पता है, उन्होंने कम लिखी है। अगर हम बात करें किसी पूरी की पूरी पोम्स जितनी भी पोइट्री दुनिया में लिखी गई है उसके रेशो में तो उन्होंने कम लिखी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जितनी भी लिखी है वो हमारे लिए नॉन है, तो यहाँ पे आर्टिकल दाता। इसी तरह हम किसका यूज करते हैं, लिटल, आ लिटल और द लिटल का। लिटल कहाँ पे यूज होगा, जब नियरली हमारा जो क्वांटिटी होगी जीरो के होगी। आ लिटल का कब यूज होगा, यानी कि क्वांटिटी तो है हमारे पास, लेकिन हमारी वो क्वांटिटी कितनी है वो डेफिनेट नहीं है हमारे लिए, तो आ लिटल का यूज होगा। और अगर क्वांटिटी डेफिनेट है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, द लिटल का।
अब यहां पे क्वेश्चन आता बड़ा फेमस है, डैश नॉलेज इज डेंजरस, ठीक, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इज डेंजरस, ठीक है, जो नॉलेज है अगर वो कम होती है तो वो डेंजरस होती है, कम नॉलेज अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आपने ये हमेशा आपने ये कोट जो है पढ़ा होगा या सुना होगा, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। अब अधूरा ज्ञान यानी कि नॉलेज तो है लेकिन अधूरी है, कम है। अब नॉलेज को क्या आप डेफिनेट बना सकते हैं कि कितनी डेफिनेट होगी, कितनी नॉलेज नॉलेज होगी? नहीं, डेफिनेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आ लिटिल का यूज होगा, ठीक है। और अच्छे से इसको समझते हैं और क्वेश्चंस के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट क्वेश्चंस मैंने है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके कवर करने की कोशिश की है कि लिटल और द लिटल और या फ्यू या द फ्यू या आ फ्यू या आ लिटल, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लॉजिकली सोचेंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। उन छह में से कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं। वी हैव गॉट क्वाइट फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आ गया तो ये तो सीधी सी बात है प्लरल है, प्लरल है तो 100% की बात है कि फ्यू का कोई ना कोई ऑप्शन आएगा, चाहे फ्यू आएगा या आ फ्यू आएगा या दा फ्यू आएगा, सबसे पहले ऐसे ही पहचानना है। तो सीधी सी बात है वी हैव क्वाइट, यहां कुछ फ्रेंड्स हैं, अब यहां पे क्या आ जाएगा? आ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, आ फ्यू फ्रेंड्स। क्योंकि अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, जब भी हम ओनली का यूज करते हैं या क्वाइट का यूज करते हैं तो इनके बाद हमेशा कौन सी चीजों का यूज किया जाता है? आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, ओनली अ फ्यू का यूज किया जाएगा या ओनली अ लिटल का यूज किया जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये अनिश्चित वैल्यू को यानी कि इनडेफिनेट वैल्यू को बताता है, इनडेफिनेट नंबर को बताता है, तो अ फ्यू का हम यहाँ पे यूज करेंगे। वुड यू लाइक टू ट्राई वाइन? अब वाइन क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सीधी सी बात है किसकी फॉर्म आएगी? लिटल की फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे वाइन, कितनी वाइन लोगे? डेफिनेट यहाँ पे कुछ आपका जब रिक्वेस्ट की गई है वुड के साथ तो डेफिनेट कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और भाई इतनी कम तो हम उनको देंगे कि नहीं, कि वो पी ही नहीं पाए, ठीक है, ऐसा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि विदाउट आर्टिकल हमने यूज कर दिया, यानी कि उसका नंबर नियरली इक्वल टू 0 है, यानी कि हम उसको पीने के लिए कुछ देंगे नहीं, यानी कि हम ऑफर कर रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस में ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आ लिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ लिटल आ जाएगा। ही हैज स्पेंट मनी ई हैड, अब यहां पे उसने बता दिया है कि उसकी क्वांटिटी जो मनी की जो क्वांटिटी थी वो क्या है? डेफिनेट है। अब मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटल का यूज होगा, और मनी कैसा हो गया? डेफिनेट, क्योंकि उसने बता दिया, मेंशन कर दिया सेंटेंस में, जितने भी उसके पास पैसे थे ना वो सारे के सारे स्पेंट हो गए, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा? द लिटल। किसका यूज हो जाएगा? द लिटल का। यू डोंट नीड टू गो शॉपिंग, वी हैव, अब हमें है ना शॉपिंग करने के लिए नहीं जाना है, ठीक है, वी हैव गॉट अ लिटल अ फ्यू, क्या आ जाएगा यहाँ पे? अ फ्यू एग्स, यानी कि कुछ अंडे हमारे पास हैं, आपको शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव सेंस में देना है, अंडे कितने हैं वो हमारे पास नॉन नहीं है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? अ फ्यू का यूज करेंगे। आई एम सॉरी आई कांट पे फॉर लंच, आई हैव डैश मनी। अब देखो यहाँ पे मनी का यूज कर दिया, यहाँ पे भी मनी का यूज किया था, सीधी सी बात है ये क्या हो गया? हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब आई कांट पे फॉर लंच, अब इसने बता दिया इसका रिजल्ट क्या है कि मैं पे नहीं कर सकता, यानी कि पे नहीं कर सकता तो मेरे पास मनी नहीं है, और मनी नहीं है तो यहाँ पे विदाउट आर्टिकल फ्यू या लिटल का यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन है तो किसका यूज होना चाहिए? लिटल की फॉर्म का, यानी कि हम यहाँ पे ओनली लिटल का यूज करेंगे, विदाउट आर्टिकल लिटल का यूज करेंगे, ठीक है। पॉम्स ही हैज रिटन आर ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, ये क्वेश्चन ये PYQ है, ये पेपर में आता है बहुत बार और पूछा जाता है, तो सीधी सी बात है किसी भी एक पॉइंट ने कितनी पॉम्स लिखी है वो हमें हमारे पास डेफिनेट डाटा होता है, तो यहाँ पे लिटल का पॉम्स है तो लिटल का यूज होगा नहीं, क्योंकि ये प्लरल नाउन है, प्लरल नाउन है तो फ्यू का यूज होगा, फ्यू का यूज होगा डेफिनेट है, तो क्या आ गया? आर्टिकल द का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज करके हम क्या लगा के देंगे? द।
ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल एट द मीटिंग वर इन सिविलियन क्लॉथ्स। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ऑल पीपल लगा दिया, सभी के सभी लोग थे ना वो सिविलियन क्लॉथ में थे। डैश वर वियरिंग यूनिफॉर्म। सर मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे वो सिविलियन में थे, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे थे जो यूनिफॉर्म में थे, यानी कि मोस्ट ऑफ द उसमें थे सिविलियन ड्रेस में थे। तो सीधी सी बात है, नामात्र जो लोग थे वो हमारे यूनिफॉर्म में थे। और यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया है, वर्ब का यूज किया गया है, और इसका जो सब्जेक्ट होगा 100% प्लरल आने वाला है। तो लिटल का यूज तो नहीं होगा, फ्यू का यूज होगा। और फ्यू, द फ्यू और अ फ्यू में से कौन सा होगा, क्योंकि कुछ ही रहने वाले हैं, नियरली इक्वल टू जीरो रहने वाले हैं, तो इसके अंदर किसका यूज हो जाएगा, फ्यू वर्ब वेयरिंग यूनिफॉर्म्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी हाउ मेनी पीपल वर एट द गेम लास्ट नाइट। यहाँ पे कैनी ने रिप्लाई किया है ऑलमोस्ट नन, यानी कि ना के बराबर लोग थे, ना के बराबर लोग थे वहां पे। डैश पीपल वॉन्ट टू वॉच अ टीम दैट ऑलवेज लूजेस, यानी कि उस टीम को देखने वाले कितने लोग होंगे, ऑलमोस्ट नन थे, नियरली इक्वल टू जीरो थे। तो यहाँ पे विदाउट आर्टिकल फ्यू का यूज होगा, क्योंकि पीपल हमारा कैसा नाउन है, प्लरल नाउन। अंडरस्टूड, कैसा नाउन है, प्लरल नाउन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी PYQ है, और ये देखो भाई 10th क्लास के बोर्ड्स के पेपर में भी आता है, 12th क्लास के बोर्ड्स के पेपर में भी आता है, और मेरे भाई ये आपका SSC में भी आता है, HSSC में भी आता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। म्यूजियम इन द टाउन आर पुअरली मेंटेन्ड। अब टाउन के अंदर कितने म्यूजियम हैं ये आप पता लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है। किसी भी एक टाउन के अंदर कितने म्यूजियम होंगे, सीधी सी बात है, हम उनको काउंट कर सकते हैं। हमारे लिए जो वो वैल्यू है वो डेफिनेट है। और म्यूजियम्स यहाँ पे प्लरल नाउन है, म्यूजियम्स यहाँ पे कैसा नाउन है, प्लरल नाउन है। तो सीधी सी बात है, प्लरल नाउन के लिए फ्यू का यूज होगा, तो यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे, हम दा का यूज कर लेंगे, दा फ्यू। ठीक है, किसका यूज कर लेंगे, द फ्यू। ये थोड़ा सा देख लेना पेन, पता नहीं क्या होगा इसको। ही नोज डैश इंग्लिश सो इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद हिम। अब यहाँ पे हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो काम हो ही नहीं पा रहा है, यानी कि उसको इंग्लिश आती ही नहीं है, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, लिटल का। अब यहाँ पे किसका यूज, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो काउंटेबल तो नहीं बनाएंगे उसको, ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, लिटिल का। ही इज लकी, ही हैज डैश प्रॉब्लम्स। अब लकी है तो प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी या कम होंगी, बताओ ज्यादा होंगी या कम होंगी, और कितनी कम होंगी। लकी है तो नियरली इक्वल टू जीरो होंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फ्यू हो जाएगा। ओनली क्या हो जाएगा, फ्यू। ही इज लकी, ही हैज फ्यू प्रॉब्लम्स, क्योंकि लकी है तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी उसको नहीं है। जूस वॉज केप्ट फॉर यू बट नाउ देर इज डैश लेफ्ट एज शी ऑलमोस्ट हैड इट। तो यहाँ पे जूस रखा था, अब जितना रखा था वो तो आपका हो गया क्या, डेफिनेट हो गया, तो जूस क्या है, अनकाउंटेबल है, तो क्या आ गया, द लिटल आ गया, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ लेटर लगता है। और कैप्ट किया है यानी कि रखा गया है, तो डेफिनेट क्वांटिटी में रखा गया होगा, ठीक है, लेकिन अब नहीं है क्योंकि उसने लगभग पी लिया है, बचाई नहीं है, बचाई नहीं है, तो यहाँ पे नो के सेंस में लिटल का यूज किया जा रहा है। तो लिटल का, अगर लिटल का यूज नो के सेंस में किया जाए, तो हम विदाउट आर्टिकल लिटल या फ्यू का यूज करते हैं। मेरे ख्याल में ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ना, उनको डायरेक्टली याद कर लेना है, देख लेना है कि इनके साथ विदाउट आर्टिकल आता है या आर्टिकल ए आता है या आर्टिकल द आता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ओनली फ्यू और लिटिल का यूज किया जाता है, यानी कि विदाउट आर्टिकल फ्यू या लिटिल का यूज किया जाता है जब हम सेंटेंस के अंदर अगर इनसे तुरंत पहले सो लगा हो, वेरी लगा हो, टू लगा हो, एक्सट्रीमली लगा हो, कंपैरेटिवली लगा हो या रिलेटिवली लगा हो। बात समझ में आई, एग्जाम्पल देखते हैं। आई कांट आंसर द क्वेश्चन, आई नो। देखो सिंपल सा आपको लॉजिक बताता हूं, अगर आपके पेपर में सो आ जाए फिल इन द ब्लैंक के पहले,
टू आ जाए, एक्सट्रीमली आ जाए, वेरी आ जाए, ये सारी की सारी क्या है, एडवर्ब्स हैं, और ये इन लिटिल और फ्यू को हमारा क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। अगर इनके तुरंत बाद लिटिल और फ्यू भरना आ जाए ना, तो सिर्फ आपको इतना देखना है कि आपका नाउन कैसा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके हिसाब से सिर्फ आपको विदाउट आर्टिकल फ्यू और लिटिल का यूज करना है। इनके साथ, इन सभी एडवर्ब्स के साथ कभी भी आपका आर्टिकल आ फ्यू या दा फ्यू या आ लिटिल या दा लिटिल का यूज नहीं होता है। अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं। लिटल इज मोर कॉमन बिफोर सर्टेन। अच्छा, इन वर्ब से पहले लिटल का यूज एज एन एडवर्ब किया जाता है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं? एक्सपेक्ट है, नो है, सस्पेक्ट है, थिंक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लिटल एक्सपेक्टेड दैट वन डे ही वुड बिकम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश टीचर आप बोलते रहते हैं, वो गलत होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिख दिया, और इससे पहले किसका यूज कर देंगे, अगर आपका फिल इन द ब्लैंक आ जाता है तो विदाउट आर्टिकल लिटिल का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। डायरेक्टली ये लर्न कर लेने, इनमें ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्टली पेपर में पूछते ही पूछते हैं ये। अगर आपका अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स आते हैं या एडवर्ब्स आते हैं, तो उनसे पहले हमेशा अ लिटिल का यूज किया जाता है। जैसे अनॉयड हो गया, वरिड हो गया, डिजेक्टेड होगा, ठीक है, चीटेड हो गया, ये क्या होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं, यानी कि नेगेटिव आपके एडजेक्टिव्स या एडवर्ब होते हैं। इनसे पहले अगर आपको फिल इन द ब्लैंक में आ लिटल, दा लिटल, आ फ्यू, दा फ्यू भरना है, तो हमेशा आर्टिकल लिटल विद आर्टिकल ए का यूज हम यहाँ पे करेंगे। आ लिटल का हम हमेशा इसके साथ यूज करेंगे। ओनली के बाद या क्वाइट के बाद, हमेशा क्वाइट या ओनली आ गया, क्वाइट भी इसमें ऐड कर लो, QUIT, क्वाइट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। ठीक है, क्वाइट या ओनली के बाद हमेशा आ फ्यू और दा फ्यू का यूज होता है, कभी भी विदाउट आर्टिकल और आर्टिकल दा वाले का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली आ गया, तो इसके बाद हमेशा आ फ्यू या आ लिटल का यूज करेंगे। आ फ्यू और आ लिटल में डिफरेंस क्या है, एक काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, और इससे ज्यादा ना तो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और मेरे ख्याल में आज कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। अगर यहां तक आपने वीडियो देखी है तो आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं भाई, शेयर कर दिया करो। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कहीं जाके कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, वो एनफ है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। और जो टेस्ट दे रहे होंगे उन्होंने फील किया है, और बच्चे बोलते भी हैं और बताते भी हैं कि है ना सर, हमारा स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, फायदा हो रहा है, और आपके माइंड में भी डाउट क्रिएट होता है कि ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है, और वो डाउट पेपर से पहले ही क्रिएट हो जाए ना, तो ज्यादा बेटर। चलिए आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।